इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस तो आइए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि कौन से मेंबर होंगे क्या मेंबर होंगे उनका टेन्योर क्या होगा ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स होंगे उन स्टेट बार काउंसिल्स के मेम्बर्स में से एक मेम्बर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेम्बर होगा और वो जो मेम्बर होगा वो इलेक्ट कैसे होगा उन्हें इलेक्ट करेगा अपना जैसे मान लीजिए बिहार का स्टेट बार काउंसिल है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनने वाला है तो बिहार के स्टेट बार काउंसिल में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब मिलके एक एक, एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई आप जाइए आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बनेंगे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी एक्स ऑफिस मेंबर होंगे एक्स ऑफिस मेंबर क्या होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे आइए फिर से बता देते हैं एक्स ऑफिस मेंबर मतलब होता है बाय वर्स्यू ऑफ इट्स पोजिशन यानी वो अटर्नी जनरल हैं तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेम्बर होंगे ही होंगे सिमिलरली सॉलिसिटर जनरल हैं तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेम्बर होंगे ये एक्स ऑफिसियो मेंबर तब तक मेंबर्स रहेंगे जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे यानी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल जब तक वो अटर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल रहेंगे तब तक वो बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के भी मेंबर रहेंगे और जो अदर मेंबर्स होते हैं स्टेट बार काउंसिल से इलेक्ट होके आते हैं अदर मम्बर्स वो जब तक वो उन स्टेट बार काउंसिल के मेम्बर्स रहेंगे तब तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मम्बर्स रहेंगे आइए अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में जानते हैं सबसे पहला पावर ये है कि इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट ये बॉडी कॉरपोरेट है नेक्स्ट ये एक लीगल पर्सन है जिसका अपना एक ऑटोनोमस स्टेटस होता है नेक्स्ट पावर है कि इसका अपना कॉमन सील एंड परपेक्चुअल सक्सेसन होता है अपने नाम पर प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है बेच भी सकती है किसी एग्रीमेंट में एंटर भी हो सकती है और केस भी फाइल कर सकती है अपने नेम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स का नाम एक स्टेट रोल से दूसरे स्टेट रोल में ट्रांसफ़र कर सकती है एप्लीकेशन पर और वेरियस कमिटीज़ फॉर्म कर सकती है कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सच एस एक्सिक्यूटिव कमेटी डिसिप्लिनरी कमेटी लीगल एड कमेटी एट्सट्रा स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील रिव्यू या रिविजन हेयर भी कर सकती है एंड डिसाइड भी कर सकती है और अपना डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके रिगार्डिंग रूल्स भी फ्रेम कर सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया आइए अब बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के फंक्शंस के बारे में समझते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन मैंशन है एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी वन के सेक्शन सेवन में सेक्शन सेवन में पहला फंक्शन ये है कि प्रोफेशनल एथिक्स के रिगार्डिंग रूल्स फ्रेम कर सकती है नेक्स्ट फंक्शन ये है कि स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी का प्रोसीजर कैसा होगा उसके रिगार्डिंग रूल फ्रेम कर सकती है नेक्स्ट एडवोकेट्स के राइट्स एंड प्रविलेज़ को भी प्रोटेक्ट करती है नेक्स्ट फंक्शन ये है कि इट इनक्रेज़ लीगल रिफॉर्म्स नेक्स्ट स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी से अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी में तो उसको डिसाइड करती है स्टेट बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी का जो डिसीजन आया रहता है उसके अगेंस्ट अपील भी डिसाइड करती है स्टेट बार काउंसिल के फंक्शंस को भी सुपरवाइज करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल से कंसल्ट करने के बाद सिलेबस भी प्रिस्क्राइब करती है कैसा सिलेबस जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ में लॉ कोर्स के सिलेबस होते हैं उस सिलेबस को प्रिस्क्राइब करती है लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लॉ डिग्रीज़ को रिकॉग्निशन देने के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ को इंस्पेक्ट भी करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो फंड्स होते हैं उनका प्रॉपर पर्पस के लिए स्पेंड भी करती है अपने मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन भी कंडक्ट कराती है जो पर्सन एब्रॉड में पढ़ाई किया है यानी इंडिया से बाहर पढ़ाई किया है और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है तो उन्हें अलाउ करती है और जो भी फंक्शन हम लोगों ने देखा उन सबका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसकी रिगार्डिंग भी वेरियस एक्ट्स बनाती है वेरियस मेज़र्स अपनाती है ओके आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद